कोतारो 4 साल का एक बच्चा है जो कि अकेला सिमिजू फ्लैट में रहने आया है। अपना सामान कमरे में रखकर वह जनरल स्टोर जाता है। वहाँ वह कुछ टिश्यू के पैकेट्स और एक खिलौने वाली तलवार भी खरीदता है। जब वह अपने कमरे में कुछ लिख रहा होता है तभी उसे बगल के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें उसके पड़ोसी करीनो की गर्लफ्रेंड की है। वह गुस्सा है और करीनो पर चिल्ला रही है क्योंकि करीनो उससे मिलने नहीं आया। उसकी गर्लफ्रेंड हरुमा उसे कहती है कि वह ठंड में बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी पर वह उससे मिलने नहीं आया। अपनी सफाई देते हुए करीनो उसे गलती से हरुमा के बजाय हीरो को कह देता है। इससे वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बैग से उसे मारते हुए वहाँ से चली जाती है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के कर्तव्य को निभाते हुए कोतारो करीनो के पास जाता है और उसे एक टिश्यू बॉक्स ऑफर करता है। वह उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। करीनो एक मांगा आर्टिस्ट है जो कि बिल्कुल पॉपुलर नहीं है लेकिन वो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने बॉस को खुश कर सके। साफ सफाई की बात करे तो उसका ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद कोतारो उसके पास फिर से आता है और उससे बाथटब के बारे में पूछने लगता है। करीनो उसे बाथ हाउस की जानकारी देता है और उसे वहाँ ले जाता है। बाथ हाउस में वो खुद भी नहाता है और कोतारो को भी नहलाने में मदद करता है। घर जाते हुए करीनो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। कोतारो कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, वह अकेला है। करीनो उसे थोड़ी देर देखता रह जाता है। फिर वह कहता है कि मेरे भी पेरेंट्स बहुत पहले ही चल बसे थे। फिर वह टॉपिक चेंज करके दूसरी बातें करने लगता है। अगली सुबह करीनो और कोतारो दोनों मार्केट जाते हैं। वहाँ उन्हें उसकी एक पड़ोसी मिजुकी मिलती है। मिजुकी को लगता है कि वो दोनों बाप और बेटे हैं पर करीनो उसकी गलतफहमी को दूर कर देता है। शॉप में बाकी लोग भी उन्हें बाप और बेटे की तरह ही समझने लगते हैं लेकिन वे इस पर चुप ही रहते हैं। मिजुकी एक रेस्टोरेंट में काम करती है जहाँ उसका नाम मिकी है। उस शाम मिजुकी को किसी के द्वारा पैसे मांगने का मैसेज आता है। वह इससे काफी परेशान लगती है। अगली सुबह कोतारो और करीनो को मिजुकी बियर के कैन के साथ उसके दरवाजे में पड़ी हुई मिलती है। वे घबरा जाते हैं। कोतारो उसे जगाने की कोशिश करता है। जब वह जागती है तो वह उन्हें हंसते हुए कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है पर कोतारो कुछ नोटिस करता है और दौड़ते हुए शॉप में जाकर उसके लिए एक आइस बॉटल लेके आता है। वह इसे उसे देता है और कहता है कि वह इससे अपनी आंखों को सेक ले। रो रो कर उसकी आंखें थक गई होगी। मिजुकी इसे नकारती है पर कोतारो उसे कहता है कि रोने में कोई बुराई नहीं है, रोने से कोई कमजोर नहीं होता। इसे सुनकर मिजुकी स्तब्ध रह जाती है और उसे कोतारो पर बहुत प्यार आता है। घर की सफाई करते हुए कोतारो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। वह अपने घाव पर कई सारे बैंडेजेस लगाता है और करीनो को दिखाने चला जाता है ताकि वो उसे शाबाशी दे। इधर करीनो के भी कमर में मोच आई हुई है। वो करीनो के कमर में हॉट पैक लगा देता है और करीनो भी उसके बैंडेजेस में उसका और उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का चित्र बना देता है और उसे थैंक्स कहता है। इसे देखकर कोतारो काफी खुश होता है। तभी उनका एक और पड़ोसी टामारू उसके पास आता है और कोतारो को छूते हुए उसे टिशू देने के लिए थैंक्स कहता है। कोतारो ने उसे भी टिशू गिफ्ट किया था पर कोतारो को उसका इस तरह का छूना अच्छा नहीं लगता और वह उसे दूर रहने को कहता है। वह कोतारो को अपने रूम में ले जाता है और उसे एक डॉल गिफ्ट करता है पर कोतारो उसका वह गिफ्ट नहीं लेता क्योंकि यह उसने अपने बेटे के लिए खरीदा था जो कि उससे मिलना नहीं चाहता। कोतारो उसे कहता है कि वो केवल अपने मन को दिलासा देने के लिए ही यह गिफ्ट उसे दे रहा है। यह गिफ्ट उसके बेटे के लिए है, वह उसे नहीं ले सकता। कोतारो के पास टीवी नहीं है इसलिए वो करीनो की टीवी में उसका फेवरेट एनिमे टोनो सामान देखता है, वो भी फुल साउंड में, और कैरेक्टर के डायलॉग को भी दोहराता रहता है। करीनो उसे साउंड कम करने को कहता है क्योंकि रात हो गई है और बाकी लोग इससे परेशान होंगे। वो माफी मांगता हुआ साउंड कम करता है और कहता है कि मेरी यह आदत बहुत बुरी है। अगले दिन वे बाथ हाउस में जाते हैं। नहाते हुए कोतारो टोनो सामान एनिमी का गीत गा रहा होता है। करीनो इस एनिमी से उब चुका है। वह कोतारो से पूछता है कि ये तुम्हारा फेवरेट एनिमे है। इस पर वह कहता है हाँ, क्योंकि टोनो सामान का कैरेक्टर उसके दिल में एक खास जगह रखता है। उसी वक्त वहाँ एक बच्चे को उसके फादर घर ले जाना चाहते हैं क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है पर अब बच्चा नहीं जाना चाहता और रोता है। तभी कोतारो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी केयर करने वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। वो बच्चा चुप हो जाता है और उसके पिता उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर कोतारो करीनो से कहता है कि ये कितना लकी है, इसे टीवी देखकर गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। वह आगे कहता है लेकिन अब मुझे भी टीवी शो से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ। तभी करीनो उसे कहता है कि तुमने टी शर्ट उल्टा पहना है। इस पर कोतारो कहता है तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया। टोनो सामान का फाइनल एपिसोड नेक्स्ट वीक को है। टोमारू इस दिन को कोतारो के लिए स्पेशल बनाना चाहता है। वह करीनो से कुछ आइडियाज भी मांगता है। काफी सोचने के बाद करीनो उसे बताता है कि कोतारो कैरेक्टर के डायलॉग को रिपीट करता है, हम उसके साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं। उधर कोतारो भी इस समय को स्पेशल बनाने के लिए वह रास्ते में बैठकर 10 येन के बदले टोनो सामान की एक्टिंग कर लोगों को एंटरटेन करता है। शाम को वे तीनों मिलकर टोनो सामान देखते हैं और कोतारो
कोतारो की तरह वे दोनों भी कैरेक्टर के डायलॉग्स को रिपीट करते हैं। कोतारो को उनका साथ अच्छा लगता है और वो उन दोनों से भी 10 येन का डिमांड करता है। घर जाते हुए करीनो उससे पूछता है कि क्या तुम अब बिना शो देखे रात को सो पाओगे। इस पर कोतारो कहता है कि अब मुझे सोने के लिए टीवी शो की जरूरत नहीं है। पर रात को करीनो के खर्राटे की आवाज से उसे नींद नहीं आती, पर वह खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। अगले दिन वे दोनों बाथ हाउस जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा नोटिस लगा है कि कुछ दिनों के लिए बाथ हाउस बंद रहेगा। कोतारो इसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि आसपास और कोई बाथटब भी नहीं है। अगले दिन से कोतारो सबसे दूर दूर रहने लगता है। वो करीनो को भी उसके पास आने नहीं देता। जब बहुत ज्यादा ही हो जाता है तब करीनो उससे पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तब कोतारो कहता है कि मैं पिछले 24 घंटे से नहीं नहाया हूँ, मैं अभी साफ नहीं हूँ, मेरे दुर्गंध से लोगों को तकलीफ हो सकती है। इस पर करीनो उसे समझाता है कि रोज नहाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी नहीं नहाया हूँ और अगर तुमसे दुर्गंध आती भी है तो लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर कोतारो वहाँ से भाग जाता है। मिजुकी यह सब देख रही होती है। वो करीनो को बताती है कि उसे कोतारो को समझना होगा, हो सकता है कि नहीं नहाना उसके लिए बड़ी बात हो या फिर उसके साथ इससे जुड़ा कोई सदमा हो। उसे लगता होगा कि अगर वो गंदा रहेगा तो लोग उसे हेट करेंगे। वो कोतारो को अपना बाथटब यूज करने देना चाहती है, पर कोतारो ने खुद के ही किचन के बेसिन में पानी भरकर वहाँ नहाने की जगह बना ली है। वो मिजुकी से कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे वजह से नेबर्स को तकलीफ ना हो और वो मुझे हेट ना करे। इस पर बाहर बैठा करीनो मन ही मन कहता है कि कोतारो अगर 2 दिन भी ना नहाए तो भी मैं उसे हेट नहीं करूंगा और वो अब से रोज कोतारो को बाथ हाउस ले जाने का निश्चय करता है। तभी कोतारो मिजुकी को अगली बार उनके साथ बाथ हाउस में नहाने के लिए इन्वाइट करता है। इस पर करीनो सोचता है कि वो कभी हाँ नहीं कहेगी। तभी मिजुकी उसे इन्वाइट करने के लिए थैंक्स करती है, लेकिन कल रात उसका एक जरूरी काम है, वो किसी और दिन उसके साथ चलने की बात करती है। मिजुकी नोटिस करती है कि कोतारो के रूम की लाइट देर रात तक जल रही है। कभी कभी वो आधी रात को उसे रूम के बाहर भी देखती है। देर रात तक न सोने की वजह से उसकी आंखों में काले घेरे भी पड़ गए हैं। उन्हें लगता है कुछ तो बात है जो वो नहीं बता रहा। मिजुकी उसे रात को उसके साथ सोने के लिए इन्वाइट करती है, वह मान जाता है। वो दिन भर उसके साथ समय बिताती है और रात में उसके साथ सोती है। वास्तव में नाइटमेट्स की वजह से वह रात को सोने से डरता था। वो करीनो से कहता है कि अब उसे सोने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वह सोते वक्त मिजुकी के स्वीट स्मेल को याद करेगा और उसे पता है कि इससे उससे अच्छे सपने जरूर आएंगे। करीनो सोचता है कि उम्र कुछ भी हो, लड़के लड़के ही होते हैं। अगले दिन कोतारो किंडरगार्टन एंट्रेंस सेरेमनी में अकेले ही चला जाता है। वह अकेला बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आया है। जब एक बच्चा उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो आए हुए हैं और वो सामने की खाली चेयर दिखाते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स यहीं बैठे हैं पर वो तुमको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो निंजा है और उन्होंने छुपने वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वो बच्चा यह सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। उधर उन तीनों को पता चलता है कि कोतारो अकेले ही उस किंडरगार्टन सेरेमनी में आया हुआ है। वे तीनों भागते हुए वहां जाते हैं और खुद को उसका पेरेंट्स बताते हैं। करीनो जल्दी से उसके पास वाली सीट में जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है यह जरूरी नहीं कि हर काम तुम्हें अकेला ही करना पड़े। स्कूल में हर बुधवार बेंटो डे होता है जहां बच्चे विशेष प्रकार का भोजन लेकर आते हैं। कोतारो को पहले तो इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अगले दिन से वो शॉप में आए सभी लोगों से बेंटो की आइडिया लेता है और बहुत ही बेहतरीन बेंटो ले जाकर अपने दोस्तों को इम्प्रेस करता है। रास्ते में कोतारो को एक आदमी कई सारे बलून्स लिए खड़े दिखता है जो कि एक एक बच्चे को एक एक बलून बांट रहा था। कोतारो उसे देखता रहता है और पूछता है सर आपने कई सारे बलून्स पकड़े हुए हैं, आपको डर नहीं लगता अगर आप उड़ गए तो? वो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, ये बताओ तुम्हें किस कलर का बलून चाहिए। कोतारो उससे 3-4 बलून लेना चाहता है पर वो कहता है कि एक बच्चे को केवल एक बलून। इस पर कोतारो उससे रेड बलून ले लेता है, उसे यह बहुत अच्छा लगता है। फिर वह रूप बदल बदल कर उसके पास जाता है और 4 बलून्स इकट्ठा करता है। बलून वाले को यह पता है कि ये चारों कैरेक्टर कोतारो ही है पर फिर भी वो उसकी मासूमियत को देखकर अनजान बनने की कोशिश करता है। घर आकर कोतारो करीनो से इन चारों बलून्स में माँ पापा भाई और बहन की ड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वो उन बलून्स के साथ पार्क में जाकर खेलने लगता है। जब वह बलून वाला उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो इन बलून्स में अपने परिवार को ढूंढ रहा है और उनके साथ वक्त बिता रहा है। उसे उस पर दया आती है और वह यह कामना करता है कि ये बलून्स लंबे समय तक उसके साथ ही रहे। अगले दिन स्कूल के बाद कोतारो करीनो के साथ एडिटर के ऑफिस में जाता है। एडिटर करीनो के ड्रॉइंग को देखकर इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पर कोतारो को उसके ड्राइंग अच्छे लगते हैं। वह करीनो की साइड लेता है और एडिटर को उससे अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए कहता है। करीनो कोतारो का मुंह बंद करके एडिटर से माफी मांगता है। बाद में अकेले में एडिटर कोतारो को बताता है कि वह ऐसा इसलिए करता है ताकि करीनो और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट बने। घर जाते हुए कोतारो करीनो से कहता है कि तुम्हें अपने काम में और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। करीनो समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों कहा क्योंकि कुछ समय पहले तक वो उसकी साइड में था। अगले दिन
कोतारो टामारू के घर जाता है और उसे कपड़े की शॉपिंग करने चलने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे पॉपुलर और अट्रैक्टिव बनना है। वो मॉल में जाकर फैशनेबल क्लोथ ट्राई करता है और वहाँ खड़े लोगों को पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। टामारू को लगता है कि वो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए हैंडसम बनना चाहता है, पर कोतारो कहता है कि वो सभी लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है ताकि सभी उसके दोस्त बने और कोई भी उसे हेट ना करे। इस पर टामारू उसे समझाता है कि तुम्हें हेट करने वालों से घबराना नहीं चाहिए। क्लोज माइंडेड पीपल हमेशा तुम्हें हेट करेंगे, चाहे तुम कितने ही स्टाइलिश क्यों ना हो। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे दोस्त को तुम वैसे ही पसंद आओगे। एक शाम कोतारो मिजुकी के रेस्टोरेंट में चला जाता है ताकि वो उसके साथ अधिक से अधिक समय बिता सके। वास्तव में मिजुकी को लीज खत्म होने की वजह से रूम को छोड़ना पड़ रहा है और कोतारो उसे दूर नहीं रहना चाहता, इसीलिए वह रोज मिजुकी से मिलने आने की बात करता है। तभी वहाँ कोतारो को ढूंढते हुए करिनो भी आ जाता है। अगले दिन वो तीनों पिकनिक करने चले जाते हैं। वे कोतारो की फोटो खींचना चाहते हैं पर कोतारो नहीं चाहता कि वो उसकी तस्वीर ले। वो हिलते हुए फोटो को ब्लर कर देता है और ज्यादा फोर्स करने पर वो वहाँ से भागने लगता है। करिनो उसे पूछता है कि तुम फोटो क्यों नहीं खिंचवाना चाहते। इस पर कोतारो कहता है कि फोटो खिंचवाने में मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। उसके बाद हमें कोतारो का सपना दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता उसका फोटो वेबसाइट में देखकर हॉस्टल में हंगामा मचा देते हैं जिससे कोतारो सहित सारे लोग घबरा जाते हैं। अचानक कोतारो जाग जाता है और कहता है कि चाहे कितना भी अच्छा पल क्यों ना हो, मुझे अपनी तस्वीर खिंचवाने से बचना होगा। स्कूल जाते हुए करिनो कोतारो को उसके द्वारा बनाई गई मिजुकी और कोतारो की ड्राइंग दिखाता है। कोतारो इसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उधर एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोयाबाशी नाम की एक एजेंट को कोतारो को पैसे डिलीवर करने का काम सौंपा जाता है क्योंकि कोतारो के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसीलिए वो उसे हैंड डिलीवरी करने के लिए उसके पास जाती है। कोतारो उसका काफी आदर सत्कार करता है और पैसे देने के लिए उसे थैंक्स भी करता है। वास्तव में कोतारो को ये पैसे उसकी माँ के लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा उसे मिल रहे थे पर उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर आप इस एनिमे के बाकी के पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द लाता रहूं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।